व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं GTA 5। तो जैसा कि आप सभी लोग को याद होगा, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन डगन बॉस हमें मारने के लिए लॉस सैंटोस शहर में वापस आ चुका है। लेस्टर ने मुझे बोला कि मुझे एक बहुत तगड़ी टीम रेडी करनी है जो कि डगन की पूरी आर्मी को खत्म कर दे। डगन बॉस को मारने के लिए लेस्टर ने हमें जो प्लान बताया, भाई ये इतना ज़्यादा रिस्की और डेंजरस प्लान है कि एक बार को भाई ऐसा मन कर रहा है कि हम लोग लॉस सैंटोस छोड़ के ही भाग जाए। मतलब लेस्टर का कहना है कि डगन बॉस को इस टाइम पर मारना एकदम इम्पॉसिबल, लेकिन अभी ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है और वो मैं आपको बस सीधा कार में बैठ के ही बताने वाला हूँ। क्योंकि गाइस, अभी सीन कुछ ऐसा हुआ है कि इस टाइम ना अमांडा जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी में कॉलेज जा रही थी जिमी के, क्योंकि इसको ट्रेसी का फोन आया कि जिमी के जो कॉलेज फ्रेंड्स हैं उसको कॉलेज में बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं, और ये उसको भी बचाने जा रही थी बट बीच रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। पर अभी ना हमें कुछ भी करके जल्दी से जल्दी कॉलेज पहुँचना है, जिमी को बताना, बचाना होगा। पता नहीं उसके कौन से कॉलेज फ्रेंड उसे बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं, आज उनके ऊपर ही सारा गुस्सा उतारेंगे भाई अपनी गाड़ी टूटने का। चलो ऑलराइट गाइस, तो भी ना फिलहाल मैं अपनी कार को फुल स्पीड में भगाता हुआ सीधा जिमी की कॉलेज में लेके पहुंचने वाला हूं। फटाफट से एक काम करते हैं, अपनी गाड़ी को ना यहीं पर साइड में पार्क करते हैं, और अभी काम करते हैं मैंने अपना यहीं पर कार में बैठे रहने देते हैं। मैं अकेले स्कूल के अंदर चलता हूँ, देखता हूँ कि आखिरकार जिमी को कौन से बच्चे परेशान कर रहे हैं, उसे बहुत बुरी तरह पीट रहे हैं। बाकी लेफ्ट साइड में भी एक बिल्डिंग है, बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जिमी जिस क्लास में रीड करता है वो वाली बिल्डिंग यहीं पर होनी चाहिए। भाई यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है बट फिर भी वो इस तरह थी यहाँ पे खड़े होकर टाइम पास कर रहा है, अंदर बच्चों की लड़ाई चल रही है उसको पता ही नहीं है। फटाफट से अंदर चलते हैं। भाई मेरे हिसाब से ना ये छुट्टी का टाइम है, पूरे के पूरे क्लासरूम खाली पड़े हुए हैं। अमांडा को कहीं ट्रेसी ने खाली पीली प्रैंक करने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दी थी? एक बारी ना मुझे ऊपर चल के देखना चाहिए, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आखिर इतने बड़े कॉलेज में जिमी कहाँ पर होगा। बट वेट गाइस, सामने ये जो लड़की बैठी है ना, ये शायद से ट्रेसी है। हेलो, ओके गाइस, तो अभी ना मेरी फिलहाल ट्रेसी से बात हो चुकी है और ये कह रही है कि जिमी के फ्रेंड्स ना उसे बॉयज वॉशरूम में ले जाके बहुत बुरी तरह मार रहे हैं। अब इनका बुरा हाल होने वाला है। बेसबॉल बैट मैंने निकाल दिया, जल्दी से भी मेरे को ढूंढना होगा कि आखिरकार बॉयज वॉशरूम है कहाँ पे। लेफ्ट साइड से तो मैं आया था और सामने ही है बॉयज वॉशरूम। जल्दी से अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिरकार क्यों वो लोग उसे मार रहे हैं। ओ भाई साहब, ये लोग यहाँ पे बैठ के जिमी को बहुत बुरी तरह मार रहे हैं, लेकिन इनको मालूम नहीं है कि अभी इनके साथ क्या होने वाला है। तीरी ऐसी की तैसी हटा से, अब ये लोग बहुत बुरी तरह पीटने वाले। ओ भाई, इसने मुझे देख लिया, भाई रुक जाओ, अभी ये लोग पहले उस पर भारी पड़ रहे थे, मेरे पे भारी पड़ चुके हैं, रुक जाओ। पहले तो बेटा उसे कोई टच नहीं करेगा, सबके सब पीछे होगा, रुक जाओ। इसके पड़ेगा ये बेसबॉल बैट, ये नीले वाले ने मेरे को मारा था ना, तू निकल यहाँ से। एक ही वो पे पड़ा, ये गंजा पिटने वाला, बहुत गंदे वाला, पीछे हो जाओ। भाई वो लोग अभी भी उसे नहीं छोड़ रहे हैं, अंदर ले जाके पीट रहे हैं, बहुत बुरे वाला। अभी रुक जा, तू हेडफोन लगा के, वेट जो मेरे को ना गाइस, एक बारी दूसरा बैट निकालना होगा, मेरे पास गन्स भी नहीं है वरना मैं इनको ऐसे ही डरा देता। फिलहाल अभी मैंने ये गोल्ड क्लब वाली स्टिक निकाल लिया है और अभी इनके मुंह पे पड़ने वाले, तो नहीं गिरेगा है, उठेगा बार बार। तो गाइस देखो, अभी ना फिलहाल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मैंने इस बंदे के तो रख के एकदम बचा दिया है, बट वो लोग ना जिम को पीटते हुए यहाँ से बाहर लेकर चले गए हैं और वहाँ पे ले जाके पीट रहे हैं। रुक जाओ, सबके सब यहीं पे बैठे हुए मुझे मारने के लिए। नहीं पता नहीं वो लोग किस रास्ते थे, जहाँ तक मुझे पता है वो लोग ने उसे मारने के लिए ग्राउंड की साइड पे लेकर गए हैं। सब सारे के सारे टीचर्स भी डर के उठ गए कि आखिरकार स्कूल में ये सब क्या चल रहा है। बट ठीक है, इस टाइम तो भाई इन लोगों को कुछ पता नहीं चला, पर अभी ये लोग इस टाइम, ओ भाई ये लोग उसे यहाँ पे बाहर लेकर आ चुके हैं पीटने के लिए। ओ भाई, सारे के सारे मेरे पास आ रहे हैं, रुक जाओ, उसको मारो बेटा, निकल यहाँ से। नहीं, रुक जाओ, सब पीटोगे बेटा अभी। गाइस, ये जो कॉलेज गैंग है ना, सच्ची में बहुत ज्यादा ही बड़ी है। सारे के सारे बंदे मिल गए हमें यहाँ पे पीटने के लिए आ चुके हैं। उधर जिमी को ले जाके भाई पटक पटक पीट, रुक जाते हैं मत मारे उधर साइड हो, एक सेकंड यार, जिमी को यहाँ से मेरे हिसाब से अभी भाग जाना चाहिए, वरना ये लोग तो भी उसे उठने ही नहीं दे रहे हैं। अभी एक और रख के इनको मैं दे देता हूँ। भाई 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 रुक जाओ, इसको छोड़ ही नहीं रहे भाई। अभी ना मैंने कम से कम 10 से 15 गुंडों को यहाँ पे मार के गिरा दिया है। बाकी जिमी यहाँ से भागने की कोशिश तो कर रहा है, बट ये लोग भैया उसे जाने नहीं दे रहे। लेट्स गो भाई, सबको मार दे, दोबारा मत उठियो, निकल यहाँ से, भाग जा भाई, तू अपना भाग जा यहाँ से, मैं भी आ रहा हूँ साथ साथ। तो चलो भाई, अभी फिलहाल जिमी यहाँ से तो भाग के जा चुका है, मुझे भी फटाफट से चलना होगा, फिर जाना है यहाँ से। बाबा इसके से कैसे इसको सही में मार दो क्या? मैं सोच रहा हूँ यार, स्टूडेंट वगैरह इनके ऊपर में कोई ये हथियार नहीं चलाना चाहिए, बट अभी ये पिटने वाला है, उठ जा, दोबारा उठेगा, निकल यहाँ से, अभी गया, अभी दोबारा नहीं उठने वाला। बाकी यहाँ जिमी आगे को भाग के गया था, मेरी कार पीछे खड़ी हुई है, बट हाँ एक काम करते हैं, अमांडा को भी इस साइड बुलाते हैं और दूसरी कार लेकर हम लोग यहाँ से निकलते हैं। जिमी की आवाज़ तो आ रही है मुझे यहाँ से, बट कोई भी कहाँ पर गया, वो पीछे ग्राउंड में तो नहीं चला गया? वेट यार, भागता हुआ यहीं पर आया था,
पर अभी जिमी गायब हो चुका है, मुझे लेफ्ट से किसी की चिल्लाने की आवाज़ आ रही है, रुक जाओ। पक्का भाई उन लोगों ने, मुझे लग रहा है कि दोबारा से जिमी को पकड़ लिया होगा। यहाँ पर भी नहीं है, कहाँ पर चला गया? ओ भाई साहब ये इसको नीचे ले जाके पीट रहे, तुम्हारी ऐसी तरह से यहाँ पर। अबे वेट मैं गिर चुका हूँ, ये सारे के सारे वो देखो नीचे ले जाके उसे मार रहे हैं। और अभी ये पीटने वाला, ये कॉलेज के स्टूडेंट है यार, ये तो बाहर के घूमने हैं। अभी तक जिन लोगों से मैं लड़ रहा था वो कॉलेज के स्टूडेंट थे, बट ये जो लोग हैं ये तो कोई गैंग लग रही है बहुत बड़ी। रुक जाओ, अरे रुक जाओ भाई, अरे वेट 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 रुक जाओ, क्योंकि बेसबॉल बैट निकालना होगा अभी इन सबको ना एक ही बार में, मैं बहुत बुरा मारने वाला हूँ भाई। ये बहुत डेंजरस कॉलेज गैंग है। आखिरकार ऐसा किया क्या जिमी ने जो उसे मार रहे हैं? भाई ये टोपी वाला बंदा तो एकदम चाकू लेकर आया है, मुझे पहले से मारना होगा वरना ये बाद में मेरे को मारेगा ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लेट्स गो, निकल तू यहां से। घुस घुस के मुक्के मार रहे हैं, जिमी को तो कोई नहीं मार रहा ना। अबे नहीं रुक जाओ भाई, उसके मुक्के मुक्के बजा रहा है। वेट पे तेरी, निकल यहाँ से, अब मत मारियो। सो गाइस अभी ना सबको मार दिया मैंने, बस एक ये ही बंदा है जो कि जिमी को पीटने में लगा हुआ, बट ऊपर से और आ गया। तू निकल यहाँ से, अब मत मार दियो ठीक है ना, बहुत देर से देख रहा हूँ। हाँ तो यहाँ पर एक बंदा हो रहा था वो भी चला गया। चल भाई जिमी मेरे हिसाब से रास्ता क्लियर है, अभी हमें यहाँ से निकलना चाहिए। तो चलो गाइस अभी ना फिलहाल अमेंडा एंड ट्रेसी यहाँ पर एक बढ़िया सी कार लेकर आ गए हैं, जिस कार में बैठकर हम लोग यहाँ से भागने वाले हैं। फिलहाल इस टाइम ना चारों ही लोग की हालत सच्ची में बहुत ज़्यादा ख़राब है। जिमी भाई फटाफट से आ, जल्दी से गाड़ी में बैठ, अभी हम लोग यहाँ से जाने वाले हैं सीधा हॉस्पिटल, ताकि वहाँ पर जिमी का थोड़ा बहुत भाई ट्रीटमेंट कराया जा सके। अमेंडा के भी चोट लगी, हमारे भी चोट लगी है, उस टाइम हमें एक डॉक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फटाफट से भी अपनी गाड़ी लेकर चलते हैं। क्या कार है भाई, इतनी ज़्यादा स्लिप क्यों हो रही है भाई? गाइस देखो अभी ना फिलहाल मैं तो अपनी कार लेकर यहाँ से सीधा हॉस्पिटल ही जा रहा था, बट शायद से माइकल की फैमिली अभी भी माइकल से बहुत ज़्यादा नाराज़ है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि बस उन्हें घर पे ही ड्रॉप कर दो और कुछ नहीं चाहिए। जितनी हेल्प करती उसके लिए थैंक यू सो मच। मतलब शायद से अभी भी ये लोग इम्प्रेस नहीं हुए हैं और वापस नहीं आना चाहते हैं माइकल के पास। बाकी ठीक है, मैं इनको इनके घर पे लेकर आ चुका हूँ। पता नहीं कौन सी ये जगह है जहाँ पर ये लोग आकर रहते हैं, शायद से इस एरिया का नाम मिरर पार्क है। अपनी गाड़ी यहीं पर खड़ी करते हैं और बाय बाय बोलते हैं सबको। ओके तो सब लोग गाड़ी से उतर चुके हैं, फटाफट से अपनी कार को हम लोग यहाँ से बैक करते हैं और वापस से चलते हैं सीधा अपने घर पर। नहीं मेरे को वापस से हाई स्कूल जाना होगा, क्योंकि अपनी फरारी वहीं पर मैंने बाहर खड़ी कर रखी है। यार वैसे ना बस मुझे एक चीज़ पूछनी थी जिमी से कि आखिरकार उसने ऐसा क्या किया था जिस वजह से इतने सारे कॉलेज के बदमाश उसे बहुत बुरी तरह मार रहे थे। और अभी ना मुझे जिमी का भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा, बिकॉज हो सकता है वो लोग उसे दोबारा मारें और हो सकता है कि वो लोग मुझे भी ढूंढ के मारें, क्योंकि उनके हाथ से ज़्यादा बंदों को तो मैंने ही वहाँ पर पीटा था। वो तो सही है कि सही टाइम पर हम लोग वहाँ से भाग गए मेंटा कार लेकर आगे, वरना तो शायद से वो लोग और गुंडे बुला लेते वहाँ पे। बट ठीक है, जो भी सही है, वैसे पता है मुझे अगर पता होता ना कि यहाँ पर इतना ज़्यादा खतरनाक सीन होगा, इतने सारे गुंडे होंगे, तो मैं पहले फ्रैंकलिन को कॉल कर देता, बट या फिर अपने पास एक गन भी होती तब भी काम हो जाता। गन से पूरा स्कूल ही खाली करवा देते, मींस गोली नहीं चलाते बस डरा के ही। बाकी वापस चलते हैं हाई स्कूल पे अपनी कार लेने के लिए पहले। ओके गाइस तो भी फिलहाल मैं अपनी गाड़ी लेके वापस से जिमी की हाई स्कूल में पहुंच चुका हूं। वेट एक सेकंड भाई, ये बुलडोजर कहां लेके जा रहा है? भाई ये पक्का अभी भी गुंडे यहाँ पर है और ये मेरी फरारी तोड़ने के लिए जा रहा है। एक मिनट, इसकी भैंस की टांग, तू बाहर निकल गाड़ी से। ओ नहीं चल चल चल, इसको रोकना होगा मुझे वरना ये पूरी की पूरी गाड़ी तोड़ डालेगा। बाहर निकल तू, सब गाड़ी पे तो दुश्मन ही निकालने दो, डंडा निकालो पहले उसके मुंह पे ही पड़ेगा। इधर आ, वेट एक सेकेंड, रेंच है मेरे हाथ में और इसके मुंह पे ही पड़ने वाला है अभी। मतलब कि यार वहाँ पर दुश्मनी ठीक थी यार, हल्की फुल्की गाड़ी पहले इनके चक्कर में टूट गई है और अभी ये स्पेशल बुलडोजर लेकर आया था अपनी गाड़ी तोड़ने के लिए। यार अभी ना मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी से जल्दी, वरना पता चला अगर और गुंडे आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। भाई साहब अलग ही सीन चल रहा है यार इन लोगों का, पता नहीं बेमतलब में। यार आज के दिन इस कार का ना कम से कम 2 से 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है और कहीं कहीं पर तो ये इतनी बुरी तरह ठुकी थी भाई पूछो मत। बड़ा मानना पड़ेगा ये गाड़ी अभी भी एकदम बढ़िया तरीके से चल रही है। अभी जल्दी से अपनी गाड़ी को यहाँ से निकालते हैं और जो उसने लोकेशन दी है जल्दी से हम लोग चलते हैं सीधा उस लोकेशन पे। तो अभी फटाफट से अपनी गाड़ी मैंने यहाँ से बाहर निकाल ली है, फटाफट से इसे लेकर चलते हैं सीधा उस लोकेशन पे जहाँ पे डायमंड कैसीनो के ऑनर का घर है। वैसे यार मुझे ना थोड़ा डाउट सा हो रहा है, मतलब यार टाओ चेंग ऐसा बंदा नहीं था इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी वगैरह रखने वाला, मतलब कि घर पे आने के लिए इतनी ज़्यादा परमिशंस लेनी पड़ रही है। फिलहाल अपने सारे बॉडीगार्ड्स की कार पीछे आ रही है, अभी थोड़ा तेज स्पीड में चलते हैं। ऑलराइट गाइस तो अभी फिलहाल हम लोग अपनी गाड़ियाँ लेकर ऑनर ऑफ डायमंड कैसीनो के घर पे पहुँचने वाले हैं। वैसे यार इसने जो मैप में रास्ता दिया है ना हमें, वो रास्ता जाता है मिस्टर मद्राजो के घर पे। आप लोगों ने शायद से देखा होगा बहुत ज़्यादा बड़ा घर है। क्या टाओ चेंग ने मींस जो डायमंड कैसीनो का ऑनर है उसने ये वाला घर तो नहीं खरीद लिया?
भाई यानी कि डायमंड कैसीनो से सच्ची में बहुत ज्यादा ही कमाई होती होगी। फिलहाल जो भी अभी हम लोग जल्दी से पहुंचते हैं इसकी डील करवाते हैं, टाओ चांग अपना दोस्त है, क्या पता पैसों में मान जाए, अदरवाइज यार देखो फिर हमें उसे मारना ही पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेट्स गो, फटाफट से अपनी गाड़ी को यहाँ से अंदर लेकर चलते हैं, बाकी अपने पीछे सभी बॉडी गार्ड्स की भी कार आ रही है। ले आओ भाई अंदर ले आओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पर ज्यादा सिक्योरिटी तो है। ओ वेट, फिर टाओ चांग ने इतनी ज्यादा सिक्योरिटी कब लगा दी भाई? हेलो, लग रहा है डायमंड कैसीनो में बहुत से बड़े बड़े माफिया की नजर है, इसलिए उसको भी सिक्योरिटी में रहना पड़ रहा है। रुक जाओ तुम अपनी गाड़ी पीछे खड़ी करो, हम लोग अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करके अंदर चलते हैं। अपनी डायरेक्ट उसी से बात हो गई है तो हमारे पास पूरी परमिशन है, हम डायरेक्टली सीधा घर के अंदर जा सकते हैं। भाई सच्ची में इधर तो कुछ ज़्यादा ही सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बट ये सिक्योरिटी गार्ड्स मुझे पता नहीं क्यों थोड़े बहुत जाने पहचाने लग रहे हैं। अपने पीछे पीछे वो भी आ रहा है, फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं। वेट, यहाँ पर तो डगन बोस और मिस्टर मद्राजू का बेटा है, उस शायद से इन्होंने मुझे पहचाना नहीं है, मैं चल के बैठता हूँ। गाइस अभी ना मेरे साथ एक बहुत तगड़े वाला स्कैम हो चुका है, आप लोगों ने देख ही लिया कि जो मद्राजू का हाउस है इतना बड़ा हाउस, वो टाओ चांग का नहीं है, वो डगन बोस का है, और उससे भी बुरी चीज़ कि डायमंड कैसीनो का ऑनर भी डगन बोस बन चुका है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसमें स्कैम क्या हुआ है, तो भाई देखो स्कैम ये हुआ है, मैं जिस बंदे के साथ आया था मैं सोच रहा था कि यार अब ये कैसीनो इसे ख़रीदने के लिए इसको मारेगा पीटेगा, क्योंकि डगन बॉस नॉर्मली डील नहीं करने वाला, पर मैंने सोचा था कि इसी बीच में उसे मार डालूंगा, लेकिन वो जो बंदा है भाई वो उसका पुराना दोस्त निकला, और मैं सोच रहा था आराम से बैठ के पहले मीटिंग होगी फिर मस्त लड़ाई होने वाली, लेकिन ये दोनों यहाँ पे खड़े होकर गप्पे लड़ा रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोगों ने भाई अपना पूरा शक्ल वक्ल हेयर स्टाइल वगैरह चेंज करवा लिया था, बाय चांस अगर ये हमें पहचान लेता ना तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मरवाई डालता। फिलहाल अभी सब कुछ ठीक है, बट कुछ ठीक भी नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, इनकी बातें ही नहीं ख़त्म हो रही है। वो डायमंड कैसीनो खरीदने आया था और देखो कैसे गप्पे लड़ा रहे हैं वहाँ खड़े होके। तो चलो गाइस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो फटाफट से इस वीडियो को जाके लाइक कर देना, चैनल भी नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और हाँ यार मुझे कमेंट में जाके जरूर बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो पर लाइक एम करते हैं 1.5 मिलियन लाइक का, तो सभी लोग जल्दी से लाइक कर दो, आगे गोल कंप्लीट कर दो, चैनल पर सब्सक्राइब कर दो, बाकी यार इंस्टा फॉलो कर लेना बहुत हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।